वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज मेरे सामने है टाटा नेक्सॉन एक्सजेड प्लस ऑटोमेटिक। ये डीजल वेरिएंट है। जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट ईयर नेक्सॉन फेसलिफ्ट मॉडल आने वाला है, तो आपको इसको परचेज़ करना चाहिए या फिर फेसलिफ्ट मॉडल के लिए वेट करना चाहिए, वैसे चॉइस आपकी है। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि कार में अभी क्या आता है और फेसलिफ्ट मॉडल में न्यू क्या आने वाला है। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले इसका फ्रंट देखिए, जो काफ़ी बोल्ड एंड मस्कुलर है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं और नीचे कॉर्निंग फॉग लैम्प मिलते हैं। स्पाई शॉट्स के अकॉर्डिंग आपको फेसलिफ्ट मॉडल में स्प्लिट हेडलैम्प्स मिलेंगे, जैसे कि हैरियर में मिलते हैं। बम्पर में आपको न्यू स्टाइल मिलेगा। इसमें अभी 16 इंच के अलॉय व्हील आते हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में इसका भी डिज़ाइन पूरी तरह से बदल दिया जाएगा और हो सकता है टॉप मॉडल में आपको 17 इंच के व्हील देखने को मिले। साइड से ओवरऑल लुक सेम ही रहेगा, कार को अंडर 4 मीटर ही रखा जाएगा। बैक की बात करें तो इस कार का बैक लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब टाटा की हर कार का डिज़ाइन बढ़ गया है, बस नेक्सॉन में इन्होंने ऐसा क्या किया है पता नहीं। पर अच्छी बात यह है, फेसलिफ्ट में आपको न्यू डिज़ाइन की कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को मिलेगी। ये इसका फ्रंट पैसेंजर डोर है, ये देखो, काफी स्पेशियस है ये कार। मतलब यार इस सेगमेंट की कार में कहाँ इतना स्पेस मिलेगा। और ये इसका रियर डोर, काफी हैवी डोर्स हैं यार। आओ बैठ के देखते हैं इनका। स्पेस ठीक ठाक है, रियर से ऐसा लगता है इसका डैशबोर्ड। और ये रिक्वेस्ट सेंसर बटन है ऑटो फोल्डिंग ORVM के साथ, काफी बढ़िया फीचर है, वेलकम फंक्शन है। आइए अब अंदर से देखते हैं। ये इसका डैशबोर्ड का लुक है। अरे यार ये चाबी कहाँ रखूँ, दरअसल मुझे आदत नहीं है ना। उसे स्टार्ट बटन, हो गई स्टार्ट। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। टच रिस्पॉन्स ठीक है। और अभी इस गाड़ी में 3 मोड आते हैं, स्पोर्ट्स, इको, सिटी। और ये कुछ स्टोरेज है। अभी इसमें AMT आता है पुराने वाला, नई में DCT या CVT आने की संभावना है। अब जो टच स्क्रीन आएगी वो काफ़ी बड़ी होगी, कम से कम 10 इंच की तो होगी, वैसे देनी भी चाहिए, i20 में भी 10 इंच की आती है यार। और ये ग्लव बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब पूरा बदल दिया जाएगा, फुली डिजिटल आएगा। और स्टेयरिंग व्हील पे भी न्यू डिज़ाइन होगा, जिसमें लोगो एलिमिनेट होगा, मतलब उसमें लाइट जलेगी, ऐसा फीचर अभी किसी और कार में नहीं है। आइए अब इसका इंजन देखते हैं। ये डीजल इंजन है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, जो 113 BHP 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।